हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने गार्डन में व्यस्त हूँ। दोस्तों, फरवरी का मंथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता से भरा होता है गार्डनर लोगों के लिए, क्योंकि इस समय जितने भी प्लांट होते हैं उनकी देखभाल करने का, उनकी रिपोर्टिंग करने का, प्रूनिंग करने का, ये बेस्ट समय होता है फरवरी का महीना। इस समय फरवरी स्टार्टिंग से बहुत से लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिया, पर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, घर में कुछ काम था जिसकी वजह से मैं गार्डन में ज़्यादा समय नहीं दे पाई थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी टाइम नहीं निकला है हम अपने प्लांट को अच्छा करने के लिए, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। हिबिस्कस के पास का मेरे पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये देखिए, ये सब हिबिस्कस के ही प्लांट हैं। इसमें कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ देसी वाले प्लांट हैं, तो सभी तरह के प्लांट हैं मेरे पास हिबिस्कस के, और कलर भी बहुत सारे हैं। तीन चार कलर हैं मेरे पास हिबिस्कस के। देखिए दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड वाला है, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से और इस समय मौसम की वजह से भी इनके पत्ते इस तरह से पीले पड़ गए हैं। देखिए, ये पत्ते पीले हो रहे हैं, कुछ पत्ते सूख रहे हैं, और ये डालियां जो हैं बिल्कुल एक तरह से पत्तों से खाली हो गई हैं। लेकिन अब हम इसकी बहुत अच्छी केयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा प्लांट जो भी होते हैं, देखिए इस तरह से सीड गिरते रहते हैं, या फिर जो मतलब घास भी निकल आती है, काई भी जम जाती है, क्योंकि विंटर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम पानी देते हैं और ज़्यादा नराई गुड़ाई भी नहीं करते हैं ताकि इसकी रूट्स ख़राब ना हो पाए। तो मेरे भी सारे प्लांट देखिए, सारी ऐसा लग रहा है जैसे प्लांट पूरा सूख गया है, लेकिन प्लांट हमारा एकदम ग्रीन है। ये देखिए, ऊपर ऊपर पत्ते हैं और नीचे सारी डंडियां जो हैं लैगी लैगी सी हो गई हैं। तो अब मैं इसमें क्या क्या काम करूंगी ताकि मेरा प्लांट बहुत अच्छा हो जाए और बहुत अच्छे बड़े बड़े फ्लावर आए। मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं मेरे सभी प्लांट में, और देखिए कुछ प्लांट तो इस तरह से बिल्कुल ही मतलब एक पत्ते बचे ही नहीं हैं, तो इनके साथ भी मुझे काम करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे प्लांट की जो कंडीशन है, मिट्टी है, वो कैसी है। देखिए, मैंने यहाँ पर हल्की सी इसकी नराई की है, तो इस तरह से इसमें ये रूट्स ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर रूट्स ऊपर आ गई हैं तो ये देखिए साइन है कि आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो रहा है, पूरी रूट भर गई है इसमें। अब हमें इसकी रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उसके बाद इसे फर्टिलाइज कर दूंगी सारे प्लांट को, लेकिन जब इस तरह से आपको रूट ऊपर दिखें तो फिर आपका प्लांट पूरी तरह से बुरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। अब खाली फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए, हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से हमें फ्लावर दे और पूरी गर्मियों ये फ्लावरिंग करता रहे, बड़े बड़े फूल हमें मिलते रहे। तो इसके लिए अब हमें इसकी रूट जो बाउंड हो गई है उनको, रूट को भी कट करना पड़ेगा, रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी। तो चलिए, मैं अपने प्लांट को पहले बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरे प्लांट को अपने पॉट में से बाहर निकाल लिया है, और मैं आपको एक प्लांट का करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे पास 10-12 प्लांट है, मैं सबका नहीं दिखा पाऊंगी, एक को दिखा के मैं कर दूंगी। अब आप इसकी रूट्स देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये रूट बाउंड हो गया है, बिल्कुल इसमें स्पेस ही नहीं, मिट्टी आपको दिखेगी नहीं, केवल रूट ही रूट दिखेंगी। तो और ये देखिए, फीडर रूट हैं वाइट वाइट जितनी हैं, तो इनको खाना तो चाहिए, पर खाना मिलेगा कैसे जब इसमें सारे कवर ही, प्लांटर को ही पूरा कवर कर लिया है रूट्स ने। तो अब हमें इसकी रूट की प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए, अब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं रूट की। देखिए दोस्तों, मैंने नीचे से पूरा इतना बड़ा हिस्सा इसका कट कर दिया है, और इसको कट करने के लिए अगर आपको परेशानी होती है तो आप इस तरह की आरी का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह की बड़ी सी आरी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि खाली कटर से हम इनको इतनी हैवी रूट्स को कट नहीं कर सकते। तो देखिए कितनी हैवी रूट्स हैं, इनको मैंने इस तरह से कट करके अलग कर दिया है, और अब मेरा प्लांट जो है इस शेप में आ गया है। जितनी भी ये वाइट वाइट रूट हैं इनको हम नहीं निकालेंगे, जो पतली पतली रूट हैं, क्योंकि ये फीडर रूट हैं और ये अपना खाना लेती हैं, और जो मोटी मोटी रूट हैं उन सबको हमने, और जो बेकार हैं उनको हमने कट कर दिया है। तो काफ़ी सारी रूट कट कर दी हैं मैंने, ये देखिए चारों तरफ से और नीचे से। अब हम इसके लिए प्लांटर, जो हमारा पुराना प्लांटर है 12 इंच का, वही प्लांटर लेंगे, प्लांटर हम चेंज नहीं करेंगे। और इसमें 4-5 होल हैं, होल हमेशा ज़्यादा ही रखना चाहिए, चार कम से कम 4 होल तो रखने ही चाहिए। देखिए, मैंने भी
बड़े बड़े चार होल किए हुए हैं, इनको हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी मिट्टी बताते हैं आपको कैसी मिट्टी बनाई है मैंने, क्योंकि मैं इसकी आधी मिट्टी चेंज कर दूंगी। आधी मिट्टी तो वही रहेगी लेकिन आधी नीचे की मिट्टी चेंज कर रही हूँ। ये मेरी मिट्टी जो है मैंने इसे धूप लगा दी थी, 2-3 दिन की धूप लगा के इसको रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने मिट्टी ली है गार्डन की, इसमें रिवर सैंड मिक्स किया हुआ है इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। रिवर सैंड मैंने मिक्स कर रखा है 20%। और देखिए दोस्तों, इसमें मैं ये काउडंग कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ और ये काफ़ी पुराना है, एकदम ब्लैक कलर का जो और भुरभुरा है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए और ताज़ी नहीं होना चाहिए। तो ये काउडंग कंपोस्ट लिया है मैं, बहुत सारे प्लांटर का, कम से कम 10-12 प्लांटर का बना रही हूँ। तो आप अपने जितने भी प्लांटर हैं उसी हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं देखिए नीम खली यूज़ कर रही हूँ मैं, पर प्लांटर आपको बता देती हूँ। अगर आपको एक प्लांटर के लिए चाहिए तो आप 2 चम्मच नीम खली इसमें ऐड कर लीजिए। देखिए नीम खली बहुत अच्छा फंगीसाइड भी का भी काम करेगा और फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों DAP, प्लांट की ग्रोथ के लिए DAP बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मैंने DAP लिया है। DAP क्या, जैसे आपका 12 इंच का प्लांटर है तो आप 12 दाने लीजिएगा। मैं कई सारे प्लांटर का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे प्लांटर की चेंज करनी है मुझे, रिपोर्टिंग करनी है, तो मैंने ये खूब सारा ले रखा है, तो आप इतना मत लीजिए। जैसे आपका 10 इंच का प्लांटर है तो आप 10 दाने ले लीजिए, 12 इंच का है तो आप 12 दाने ले सकते हैं। इसके बाद मैंने दोस्तों ये बायोजाइम लिया है और यहाँ पर हम फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। फंगीसाइड कोई सा भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। मेरे पास इस समय ख़त्म हो गया है तो फिर मैं ये हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी भी बहुत अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन, ताकि हमारे प्लांट में बहुत अच्छी तरह से कलियाँ बने, और कलियाँ तभी बनती है जब उसमें नाइट्रोजन अच्छा दिया जाता है। तो उसके लिए मैं चाय पत्ती ले रही हूँ। चाय पत्ती भी मैंने काफ़ी सारी ली है, लेकिन मैं हमेशा यूज़ की हुई चाय पत्ती, जैसे चाय बनाते हैं तो उसको धो के सुखा लेती हूँ, क्योंकि जो हम एकदम फ्रेश पत्ती लेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जब हम उसको धो के सुखा के पुरानी पत्ती को यूज़ करते हैं तो वो कोई भी नुकसान नहीं देती है। तो मैं हमेशा ही चाय बना के उसके बाद यूज़ की हुई पत्ती को ही धो के सुखा के यूज़ करती हूँ। तो आप पर प्लांटर 2 चम्मच चाय की पत्ती या 1 चम्मच चाय की पत्ती ले सकते हैं। तो मैंने ये चाय की पत्ती को ऐड किया है। इसका यूज़ करने से क्या होगा कि प्लांट में एकदम से नई नई कलियां बनेंगी, ग्रोथ आएगी और तुरंत ही कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों मैंने बोन मील लिया है। बोन मील प्लांट को स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी बनाता है, साथ ही उसमें कलियाँ गिरे ना, पीली हो के ना गिरे, उसके लिए भी वर्क करेगा। और इसके बाद दोस्तों हमने लिया है, ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा का हम मिट्टी में मिक्स करके यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी भी कोई भी किसी भी तरह की फंगस है, चींटियाँ हैं और कोई भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, स्नेल वगैरह आ जाते हैं, तो वो सब हट जाएंगे। और हल्दी भी वही काम करेगी और ये ट्राइकोडर्मा भी उसमें मदद करेगा, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का काम तो आप जानते हैं, क्योंकि ये प्लांट को मैं रूट प्रूनिंग करूँगी तो ये शॉक में ना आए और दूसरे ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हों एकदम, इसमें जितना भी ग्रीनरी आएगी वो एप्सम सॉल्ट की वजह से बहुत अच्छी तरह से पत्तियाँ बड़ी भी आएंगी और ग्रीन भी आएंगी। तो चलिए इन सबको हम मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं। बनने वाला है, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ इसको करते हुए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने एक प्लांट जो हाइब्रिड खरीदा था उसे मैंने लाके लगा दिया था और वो पूरी तरह से ये लाल मिट्टी है पूना वाली, उसमें लगा हुआ था। और मैं सोचती थी कि इसमें 1-2 फ्लावर आके क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बास्केट में लगा हुआ था इस तरह से, और इसकी रूट्स जो केवल यहाँ से निकल रही थी इसीलिए ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं हो रहा था। तो फिर आज मैंने उसको पूरा निकाल के, उसकी सारी रूट्स खोल के इस बास्केट को निकाला है और उसकी जो इसमें रूट्स फंस गई हैं उनको भी कट करना पड़ गया। देखिए अब देखते हैं कि वो कितना जल्दी ग्रोथ लेता है। और मैंने ये देखिए कितनी सारी रूट्स निकाली हैं इस तरह से, पूरे रूट बाउंड हो रहे थे। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपके प्लांट में ऊपर रूट्स आ गई हैं तो फिर उन्हें रूट प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है उनका। और अब मैंने काफ़ी सारी मिट्टी भी चेंज कर दी है, नई मिट्टी लग देने से प्लांट हमारा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सॉरी दोस्तों, गला खराब हो रहा था, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मैंने भी देखिए
50% मिट्टी मैंने हर प्लांट की चेंज की है और 50% छोड़ दी है उसी में, और मैंने आज टोटल मिला के 8 से 10 प्लांट की रिपोर्टिंग की है। ये रहे वो सभी प्लांट, और अब इन सब में हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद दोस्तों इनको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पूरे दिन की सनलाइट ना पड़े, थोड़े टाइम की ही पड़े, और जब इनमें 2-3 दिन बाद मैं इनकी ऊपर से भी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए लगाते हैं अभी इनमें पानी। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है जिसमें सिर्फ 1-2 बार फूल आके और फ्लावरिंग बंद हो गई थी, और मैंने इसकी पूरी रूट कट करके इसको बास्केट में से निकाल के लगाया है। मिट्टी हमेशा इतनी पोरस बनानी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए प्लांट में, प्लांटर में। और दोस्तों ये मैंने कटिंग लगाई थी एक, और उसी प्लांट में लगा दी थी, तो मैंने इसको भी अलग किया है। मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ पे कटिंग लगा देती हूँ। साथ ही मैं सीड ग्रो किया था, तो देखिए एक लौकी का प्लांट भी निकला इन्हीं गमलों में से। तो हमें इस तरह से खूब सारे प्लांट भी मिल जाते हैं फ्री में। चलिए सब में पानी लगाएंगे, हम इतना पानी लगाएंगे कि मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए एक बार में। देखिए दोस्तों 1 हफ्ते का समय बीत चुका है इनको इनकी रूट प्रूनिंग किए हुए, और इनकी देखिए मिट्टी भी सूख चुकी है। तो अब हम इसमें बीच में एक बार मैं पहले भी पानी लगा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मिट्टी सूख जाए तभी हमें पानी देना है। और अब हम करेंगे इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग। देखिए ये ब्रांच है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी इस समय। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए मानसून सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है, तो इस समय मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ से, और कटर बंद हो गया था, चलिए यहाँ से हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। और प्रूनिंग ऐसे करना है कि वो एक ही कट में हो जाए, तो इन सब की हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। जो ब्रांचेस रूट के बिल्कुल पास से हैं, नीचे से हैं, बहुत ज़्यादा नीचे लगी हुई हैं, उनको हम पूरा पूरा कट कर देंगे। ये देखिए ये ब्रांच है या फिर ये ब्रांच है, ताकि मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी जो रूट, ये जो स्टेम है ये खाली रखनी है हमें, और ऊपर की जो भी ब्रांचेज हैं उनकी हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। देखिए दोस्तों मैंने सारी प्रूनिंग कर दी है, और ये देखिए प्रूनिंग की हुई है। और ये जो हमने कटिंग ली है ना, इनमें देखिए बड्स भी बन रही थी, तो मैंने उन बड्स का भी, मतलब बिल्कुल हमें लालच नहीं करना है कि अब कलियाँ बन रही हैं तो हमें इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। और जो हमने प्रूनिंग की है इसमें इस तरह की जो पेंसिल वाली पतली कटिंग है, पेंसिल की साइज की, उनको हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं, इनको फेंकना नहीं है, इनके हम नए प्लांट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग निकाली है, ये देखिए मेरा हाइब्रिड वाले की कटिंग है और ये वाइट वाले की, तो मुझे बस इन्हीं दो की चाहिए थी, तो मैंने ये पेंसिल वाली पतली जितनी कटिंग है वो निकाल ली है लगाने के लिए। तो आप लोग भी कटिंग फेंक किए मत, आपको नए प्लांट बनाने हैं तो उनको इस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। देखिए इस टाइप की कटिंग बहुत आसानी से इस समय चल जाती है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बताइएगा कमेंट करके।